सरी रोटी ही जल बन बिलावड़ो ले भाग्यो अरे घासरी रोटी ही जल बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो अरे घासरी रोटी ही हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ लड़ो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बावण ने बेरारो खून बावण ने जद याद करूं जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे पण आज बिलख तो देखू हूँ जद राज कंवर ने रोटी ने तो छात्र धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती आ क्या मैं आंसू भर बोलो हूँ लिख शो अकबर ने पाती राणा रो कागद पांच हुयो अकबर रो सपनो सो सांचो पण छात्र धर्म ने भूल सको जद पांच पांच ने फिर पांचो बस दूत इशारो कण भाजो पीथड़ ने तुरंत बुलावण ने किरणारो पीथड़ आपूयो अकबर रो भरम मिटावण ने हूँ बांध लिया है वो पीथड़ सुन पिंजरा मैं जंगली शेर पकड़ यो देख हाथ रो कागद है तू देखा फिर सीखियां आकड़ हूँ आज बादशाह भरणी रो मेवाड़ी पाग पगा में है अब बता मने किन रजवट रे रजपूती कौन रगावे रजपूती कौन रगावे है जद पीथड़ कागद ले देखी राणारी सागी सेनानी नीचे सो धरती खिसक गई आ क्या मैं भर आयो पानी पण फेर कहीं तत्काल संभल आपात सफाई झूठी है राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है जो हुकुम होवे तो लिख पूछूं राणा रे कागद रे खातिर ले पूछ भला हो पीथड़ तू आ बात सही बोलो अकबर मैं आज सुनी जब पृथ्वीराज को ये बात ध्यान में लगी जब वो कागज उसके सामने था उसमें लिखा था कि मैं संधि करने को तैयार हूँ मैं हार मानने को तैयार हूँ तो वापस पृथ्वीराज ने एक पत्र जो था वो वहां पर
वो कौन था? पीतल जो था कौन था? पृथ्वीराज था। वहां पर अकबर के दरबार में कौन आया? पृथ्वीराज है। लेकिन उसने ये कागज बांटने के बाद क्या कहा? मैं अब लिखता हूं वापिस से महाराणा प्रताप को वही वाला पत्र। अब वो उस पत्र में क्या बोलता है? मैं आज सुनी है ना हरियो चढ़ा रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज डो बादल लिया टांको वेलो, मैं आज सुनी है सूरज डो बादल लिया टाने कोवे, पीथलरा आखर पढ़ता ही राणा रे आख्या हुई लाल, धिक्कार मने हूँ कायर हूँ नाहर रे एक दकाल हुई, रहूं भूख मरूं प्यास मरूं मेवाड़ थरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं पण मन में मारी याद रहे, पण मन में मारी याद रहे, पीथल के किमता बादल री जोरों के सूर उगाड़ी ने, सिंहा से हाथी सहले वै वाकुंक मिली कद साशाली, जद राणा रो संदेश गयो पीथड़ी छाती दूनी हुई, हिंदवाणो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सोनी थी। ये कविता जो है कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई है। और जब महाराणा प्रताप जो थे जंगलों के अंदर अपनी माँ के लिए, माँ मीन्स जानते हो आप सब लोग, उनके लिए जब वो जंगलों में थे तो उन्होंने बहुत सारे कष्ट अपने सामने देखे। एक पल आया जब उन्होंने हार मानने के लिए वो हुए, लेकिन ये वाला जो पत्र जो था जो पृथ्वीराज ने उनको वापस से भेजा था, ये देखते ही उनका अंदर का स्वाभिमान जो था, देशभक्ति जो थी, वापस से उसने करवट ले ली और वही हुआ जिस बात के हम सब साक्षी हैं। धन्यवाद।